इस तरह से ये क्रम चलता ही रहता है। तो ये इस तरह से हमें जो समझना है कि हेल्थ की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे और हमारे स्वयं के हाथ में है, और स्वस्थ रहना बहुत सरल है। सिर्फ हमें करना क्या है, हमें जो हमारे प्रकृति जिस प्रयोजन में लगी हुई है, हमारे शरीर में जैसे चार मल निष्कासक अंग है, जैसे हमारी स्किन लार्जेस्ट जो है एक्सक्रीटरी ऑर्गेन है, हमारे त्वचा के रोम कूपों से पसीने के रूप में टॉक्सिन्स बाहर आते हैं, हमारे शरीर से लंग्स से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाती है, आंतों से मल निकलता है और किडनी से यूरिन निकलता है, तो हमारा शरीर तो बिल्कुल परफेक्टली टॉक्सिन्स निकाल रहा है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ आती है कि जो उसके निकालने की प्रक्रिया से कई गुना डालने की हमारी प्रक्रिया चलती चली जाती है। तो अब हमें क्या समझना है, हमें ये समझना है दो बातों का ध्यान रखना है। हमें सबसे पहली बात क्या करनी है, जो एकत्रित मल हो गए हैं जिनके कारण हम बीमार हैं, आज अस्वस्थ हैं, एकत्रित मलों को बाहर निकालना है। साथ में हमारे को पुष्टिदायक भोजन करना है, और यही उद्देश्य हमारा जो है, हमारा जो भोज्य क्रम है, जो मैं भोजन का जो डाइट प्लान आपको देती हूँ, उसका यही उद्देश्य है कि हमारे शरीर के जो अंदर भीतर जमे हुए मल, क्या आप जानते हैं कि ऑटोप्सी रिपोर्ट्स जो रिसर्चर्स निकालते हैं डेड पे बॉडीज पे रिसर्च करके, उन्होंने क्या क्या पाया कि आंतों में मरने के बाद जब उन्होंने देखा कि कई कई इंच मोटी लेयर आंतों में मल जो है, कि जैसे आप इमेजिन कीजिए एक नाली है और उसके भीतर साइड्स पे निरंतर अगर मल जमा होता रहता है, तो वो जो है जो दीवारों पर है जो मल की लेयर है वो ज्यादा हो जाती है और उसका जो दायरा है वो कम हो जाता है। ठीक उसी प्रकार हमारी आंतों में जब करेक्ट भोजन नहीं खाते और एक्टिविटी नहीं करते, फिजिकल एक्टिविटी, तो वो मल की लेयर्स पे लेयर्स डॉक्टर्स ने रिसर्चर्स ने पाया कि इतनी मोटी मोटी लेयर्स आंतों में जो है मल की बनी हुई, और उसमें कॉलोनी ऑफ बैक्टीरियाज और बहुत सारे जर्म्स की कॉलोनी बसी हुई। तो हमें अब ये समझना है कि हमारी डाइट प्लान जो है, हमारा जो है, वो ऐसा हो जो इस सबसे पहले आपको एलिमिनेशन एलिमिनेटिव डाइट पे, तो इसीलिए स्टेप वन क्या है इसका, इसमें स्टेप वन आपको मैंने ये दिया है कि 12 बजे तक जितना आपका वेट है, यदि कोई व्यक्ति 80 किलो का है तो वो 80 × 10 800 ग्राम्स ऑफ फ्रूट्स ऑफ 3-4 डिफरेंट टाइप्स डेली कंज्यूम करे बिफोर 12 o'clock। आपका सवेरे उठने से लेके 12 बजे तक का नाश्ते का समय है, इस दौरान आप चाहे 2 बार में चाहे 3 बार में एक किचन स्केल ले ले, ताकि एक बार आपको मेजर करना पड़ेगा। और ये जो वजन है वो जो हम पोषण खाते हैं वो उसका होगा, गुठली और छिलके का वेट नहीं होगा। यदि कोई व्यक्ति 60 किलो का है तो उसको 600 ग्राम फल खाने हैं 12 बजे तक, यदि कोई 90 किलो का है तो उसको 900 ग्राम खाने हैं। तो इतनी क्वांटिटी, ये अब ये जो आपको मैं डाइट बता रही हूँ, इसके दो मकसद हैं, जो आपके शरीर में टॉक्सिन्स है वो निकलने चाहिए, और जो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट आप हो गए हैं क्योंकि गलत खान पान से, दवाइयों की वजह से, तो वो आपकी जो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी है वो आपकी जो है इससे भरपाई होगी, क्योंकि अलग अलग तरह के फ्रूट्स में अलग अलग तरह के मिनरल्स विटामिन। और फिर सबसे बड़ी बात कि ये सुपाच्य और तुरंत शरीर में डाइजेस्ट होके, और तुरंत आपको आपको दे विल गिव यू अ किक स्टार्ट फॉर द डे, कि आपको ऊर्जा से भरपूर करके आपके दिन की शुरुआत होगी। उसके बाद हम जैसे कुछ लोग जो चाय के शौकीन होते हैं, उसके लिए मैंने प्रज्ञा पे आरोग्य पे इस तरह से आपको हर्बल कंकॉक्शंस की रेसिपी डाली है मैंने, तो उनको आप पियेंगे तो आपसे आपको चाय का मन नहीं करेगा। उसमें सारी हेल्दी हर्ब्स हैं जो आपके हेल्थ के लिए अच्छे हैं। लंच में आपको यही करना है, एक तो मैंने आपको दिया है डाइट प्लान जिसमें आप किस दिन खिचड़ी या दलिया, जौ का दलिया वीट के दलिए से भी ज्यादा आप लोगों के लिए फायदेमंद है। तो और नहीं तो आप ये कर सकते हैं, योर बॉडी वेट इंटू 5, यानी कि अगर आप जो है
80 किलो के हैं तो 400 ग्राम आपका जो है वो आपका जो है वेजिटेबल सैलेड, 3-4 काइंड्स ऑफ रॉ वेजिटेबल्स आपको जो है वो आपको लंच में बिफोर टेकिंग, आप नॉर्मल मील कुछ भी खाइए जो भी आपके कल्चर के अनुसार, कोई साउथ इंडियन है सांबर डोसा इडली वड़ा चावल रोटी जो आपको खाना है उसकी मनाही नहीं है, लेकिन पहले कंडीशन ये है कि 400 ग्राम्स या आपके वेट के अगर आप 60 किलो के हैं तो 300 ग्राम्स यानी के आपके बॉडी वेट इंटू 5 इतने ग्राम्स आपको रॉ वेजिटेबल सैलेड खानी है, उसके बाद आप अपना मेन कोर्स जो भी रोटी सब्जी वो सब खा सकते हैं। हमारा इस डाइट प्लान का अब हम शाम को आपको स्प्राउट्स जो स्नैकिंग की आइटम्स है मैंने 2-3 आपको बताई हैं, दिन में ऐसे 2-3 टाइम्स ऐसे होते हैं जब भूख बहुत जोरों की होती है या 11 बजे तो आप उस समय पर आप नारियल पानी पी लीजिए, आप सोक्ड ड्राई फ्रूट्स खा लीजिए, आप कटा हुआ नारियल आप अपने फ्रिज में 2 डिब्बियां बना के रखिए जिसमें एक में तो सोक्ड ड्राई फ्रूट्स हो और एक में आपके उसमें कटा हुआ नारियल वगैरह और उसमें भीगी हुई मूंगफली हो सकती है, तो ये एक अच्छा सा स्नैक आप रखिए अपने पास। और एक आप स्प्राउट्स का स्नैक बना के रखिए। देखिए कच्ची चीजें खाने से कईयों को गैस बनती है तो वो हल्का सा स्टीम करने का मतलब है सिर्फ 5 मिनट अगर आप स्प्राउट्स लें उसको आप कढ़ाई में डालें और बिल्कुल एक करछी पानी डालेंगे और उसको ढक के रख देंगे हल्दी डाल के, तो वो 5 मिनट में स्प्राउट जो है स्टीम कुक, अगर आप उनको बॉयल करेंगे ज्यादा कुक करेंगे तो उसका न्यूट्रिशन नष्ट हो जाएगा। उस स्प्राउट्स में आप खीरा टमाटर प्याज जो भी सैलेड आपको पसंद है वो आप डाल के खा सकते हैं, कच्ची सब्जियां जो भी है। तो ये आपके स्नैकिंग के आइटम हो गए, जब आपको रोस्टेड चना वगैरह है, मुरमुरा मैंने एक जगह लिखा है आपका 3-3:30 बजे तो वो आप आराम से खाइए। और उसके बाद डिनर में मैंने एक ऑप्शन तो मैंने आपको डाइट प्लान में दी है जो कि बेस्ट ऑप्शन है कि आप जब अब हम क्योंकि क्लेंजिंग फेज में है तो मैं चाहती हूँ कि आपका 70% रॉ डाइट हो और फ्रूट्स वेजिटेबल्स हो और कुक्ड वाला फूड जो है वो थोड़ा कम हो, क्योंकि जो कुक्ड फूड होता है वो एनर्जी देगा लेकिन आपके भीतर जो रिपेरेटिव मैकेनिज्म है वो नहीं कर पाएगा। तो शाम को मैंने आपको जो सजेशन दिया है वो सूप का, बॉइल्ड वेजिटेबल्स का या स्टीम कुक्ड वेजिटेबल घी या तोरी खूब भर के आप खाइए, जितना मर्जी कटोरी भर के खाइए, और रात को भूख ना लगे तो सोक ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं, लेट नाइट अगर आपको भूख लगे तो आप फ्रूट्स खाइए, जैसे कई लोगों को रात में लगता है हाइपोग्लाइसेमिक हो गए तो उस समय आप बिस्किट्स या ये सब नहीं लीजिए आप, या चॉकलेट्स या चीनी आप गुड़ ये सब नहीं, आप अपने पास केले रखिए, हमेशा डायबिटिक लोगों के पास अपने पास फल मीठे फल सेब केले, केला तुरंत आपका जो शुगर लेवल है और आपको सैटिटी फीलिंग देगा और ये नेचुरल है आपको नुकसान नहीं करेगा। और फलों के विषय में मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि जो फल हैं उनका शुगर आपको नुकसान नहीं करेगा, और शुगर रीडिंग इस तरह से आपके पास पूरी रेंज ऑफ आइटम्स है, आपको भूखा नहीं रहना है, आपको 6 स्मॉल मील्स कभी स्प्राउट्स खा लिए कभी सोक ड्राई फ्रूट्स खा लिए, लेकिन आप देख रहे हैं कि इसमें कुक्ड फूड कितना कम है, चाय वगैरह से ज्यादा आपको हर्बल टी वगैरह है, रॉ वेजिटेबल्स खूब सारे खाने हैं। अब देखिए दुनिया में बहुत सारी जगहों पे आज भी ऑल ओवर द वर्ल्ड ऐसे जगह हैं जहां पर लोग 100-100 साल जीते हैं, जब रिसर्च कंडक्ट की गई तो ये पाया गया ऐसा ये लोग क्या करते हैं, जैसे कि अंडमान निकोबार आइलैंड में एक जारावास करके आइलैंड है तो वहां के लोग जो हैं वहां कभी कोई डिसीज नहीं होती, वहां कोई डॉक्टर नहीं होता और वहां जो है बाहर के लोग वहां जा नहीं सकते और वहां ट्राइबल एरिया के लोग बाहर नहीं आते, उनकी अपनी नेचुरल प्राकृतिक दुनिया है। तो वहां से एक डॉक्टर्स ने स्टडी करके बताया कि वहां के लोग दौड़ते बहुत हैं, यानी कि फिजिकल एक्टिविटी हो गई, यानी कि दिनचर्या में आपको फिजिकल एक्टिविटी चाहे वॉक, अब आप योगासन कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, और वहां जो है जो भी फूड्स खाते हैं उसमें के फैक्टर बहुत ज्यादा होता है। के फैक्टर का मतलब क्या है, यानी के बीमार आप ना हो तो आपकी डाइट में के फैक्टर ज्यादा होना चाहिए, यानी के पोटेशियम फैक्टर और सोडियम फैक्टर, इसीलिए नमक वगैरह बिल्कुल, बीपी में भी आपको जो है सॉल्ट बिल्कुल
कम कर देना चाहिए। सॉल्ट किसी भी प्रकार से आपके लिए जो है लाभकारी नहीं है, क्योंकि नेचुरल वे में आपको बहुत सारे फ्रूट्स वेजिटेबल्स सैलेड्स में, अच्छा सैलेड्स जब अगर आपको खानी है तो उसमें नमक और नींबू ना डालकर आप उसमें टोमेटो ग्रेट करके, नारियल ग्रेट करके आप अच्छे से खाइए, उससे आप नेचुरल फ्लेवर लीजिए, ताकि आप उसको नेचुरली उसका जो केमिकल है, स्ट्रक्चर है, वो सैलेड में अगर आप नमक डालते हैं, नमक बीपी के आप लोग सारे अधिकतर पेशेंट हैं तो नमक वैसे भी आपको नहीं लेना है, तो फ्लेवरिंग के लिए आप कोई और टमाटर नारियल वगैरह लीजिए। अब हम कर रहे थे बात के फैक्टर की, तो आपको क्या याद रखना है कि जितना भी प्रकृति द्वारा बनाई हुई चीजें हैं, जैसे प्रकृति ने हमें दी है फल सब्जियां नट्स जितने, ये सब जो होते हैं दे आर हाईली रिच इन के फैक्टर, पोटेशियम फैक्टर, और जितने भी प्रिजर्वेटिव और फैक्ट्री मेड चीजें हैं जो फैक्ट्री से हमारे डाइनिंग टेबल पे आती है, दे आर हाईली रिच इन सोडियम कंटेंट। तो आपको सोडियम कंटेंट कम करना है, पोटेशियम फैक्टर अपनी डाइट में ज्यादा करना है। आपको एक बात का ध्यान रखना है, अपना दिन में पानी खूब पीजिए, आपकी फ्लशिंग ऑफ द टॉक्सिन्स होगी। अब ये हम एलिमिनेटिव डाइट पर है, तो इसमें हम कुक्ड फूड कम ले रहे हैं, अन्न हम एक दफा ले रहे हैं। अगर आप मेरा डाइट प्लान देखेंगे तो उसमें एक बार दिन में मैंने आपको अन्न दिया है, दूसरी बार मना किया। क्यों? क्योंकि हमारा टारगेट क्या है, आपके शरीर से टॉक्सिन्स को निकालना। एक बार ये शोधन हो जाएगा, ये टेम्परेरी फेज है, ये सदा इस डाइट पे नहीं रहना, लेकिन उसके बाद फिर हम ग्रेजुअली नॉर्मल डाइट पर आएंगे। तो इस तरह से आप इस तरह की, अच्छा इसके साथ साथ जैसे बीच में 11 बजे है या शाम के 4 से 6 का समय है, या लेट नाइट, मान लीजिए आपने 6:30 बजे हल्का डिनर किया है, अब रात को आपको लाइट, रात को 11 बजे तक, कई लोग वर्किंग है जो वर्क फ्रॉम होम करते हैं, रात को 11-12 बजे बज गए, तो उस टाइम अगर आपको भूख लगी है तो आप क्या करेंगे, ऐसे समय के लिए आप फ्रूट्स खा सकते हैं, नट्स खा सकते हैं, इवन स्प्राउट्स भी खा सकते हैं। और एक चीज और बताऊं मैं, कि ये सेसमी सीड ड्रिंक, फ्लैक्स सीड ड्रिंक मैंने आपको बताई है, वो बनाने का बड़ा सिंपल तरीका है। 2 चम्मच फ्लैक्स सीड्स आप आधा घंटा भिगोइए सिर्फ, और उसको मिक्सी में पानी डाल के 1 गिलास पानी ड्रिंक बना लीजिए, उसमें नींबू और गुड़ या स्टीविया, स्टीविया सबसे ज्यादा नेचुरल हेल्दी स्वीटनर है, वो डालिए, और आपका फर्स्ट क्लास, आपको सेटिस्फाई करेगा ये ड्रिंक, आपकी सैटिटी फीलिंग होगी, आपका जैसे मन नहीं भटकेगा कि कहीं मेरे को कुछ और खा लूं, मैं कुछ और मिल जाए। और दूसरा मैंने आपको रेसिपी बताई थी सेसमे सीड की स्मूदी, सेसमे सीड यानी कि तिल, 2 चम्मच तिल आपको 1 या 2 घंटा, ये थोड़ा ज्यादा देर भिगोने पड़ेंगे, और इनको भिगो के इसका पानी हमने फेंक देना है, और फिर इसको जो है मिक्सी में डाल के आप पानी डालिए, तो ये आपका सेसमी सीड मिल्क बन जाएगा। उसमें आप मैंगो, बनाना, चीकू, कोई भी फल डाल के बहुत ही टेस्टी जो है स्मूदी बनती है। तो ये जब आप पियेंगे तो आपका जैसे लेट नाइट अगर आपको लग रहा है कि मेरा शुगर लेवल थोड़ा कम हो रहा है, तो यू मेक अ स्मूदी फर्स्ट क्लास। आप भीगे हुए तिल अपने फ्रिज में रखिए, ताकि जब भी आपको कोई स्मूदी बनानी है या मन करे तो यू कीप ऑल दिस थिंग्स रेडी। ये हम रस बिस्किट इसकी तरफ क्यों भागते हैं, क्योंकि ये आसानी से असेसिबल हो जाते हैं हमें, उस समय हमें कुछ करना नहीं पड़ता। वही असेसिबिलिटी आप अपने स्प्राउट्स की, सोक्ड ड्राई फ्रूट्स की, सोक्ड बीज, ये जो है इनको अपना भिगो, रात को भिगो दिए, फिर उठा के सुबह फ्रिज में रख दिए, ताकि जिस समय आपको जरूरत है उस समय आपने ब्लेंडर में डाला और आपकी स्मूदी तैयार है। तो इस तरह से टाइम एंड अगेन मैं और भी रेसिपीज, और भी इजी मेथड्स आपको समझाती रहूंगी, तो आप बस रीडिंग्स भेजते रहिए और कीप इन टच। और अगर अभी कोई प्रश्न है तो आप पूछिए मुझसे। एक अनदर बात, मैंने आपको लपेट की बात कही थी, आप लोगों में से कौन कौन लोग हैं जो लपेट बांधनी शुरू की है, क्योंकि उसके मिराकुलस इफेक्ट है। बहुत बढ़िया रमनीक जी, वेरी गुड। प्लीज आप लोग तो से देखिए, आपका पेट बड़ा हुआ है, अगर वजन ज्यादा है वहां पर भी ये काम करेगी लपेट, और आपके पेनक्रियास को, इंटेस्टाइन्स को, कईयों को कॉन्स्टिपेशन है,
और एसिडिटी है, जब आप इस डाइट पर आएंगे तो ये सब चीजें चुटकियों में चली जाएगी। ये जो डाइट प्लान है ये साइंटिफिकली प्रोवन न्यूट्रिशनल साइंस से निकली हुई ये डाइट प्लान है। और इस डाइट का सबसे बड़ा उदाहरण मैं बिल क्लिंटन, जिन्होंने जो है उनको 4 सर्जरीज हार्ट की हुई, 2 लंग की सर्जरी, और एक समय पर अराउंड आई डोंट नो एग्जैक्ट ईयर, बट उनका वजन बहुत बढ़ गया इतनी सर्जरीज के बाद, और उनके शक्ल पे एक इडियोटिक लुक आ गई। क्योंकि जब हमारे शरीर में विकार होते हैं तो हमारे दिमाग पे भी असर होता है, हमारे सोचने समझने की भी शक्ति जो है विकृत होती है। तब उन्हें जब इस चाइना स्टडी, जो इस डाइट के जो रिसर्चर और साइंटिस्ट है टिम कॉलिन कैम्बेल, उनके संपर्क में आके उन्होंने इस डाइट को फॉलो किया। अब इस डाइट में 2 बातें और समझने की है, आप प्राकृतिक भोजन पे तो आ गए, अब इसमें आपको ना तो कोई एनिमल फूड खाना है, नो नॉन वेज, नो एग्स, नो नथिंग, एंड एनिमल प्रोडक्ट्स में मिल्क भी आता है, नो डेयरी, नो मिल्क प्रोडक्ट्स, कोई दही, और अभी ये दही वगैरह मैं अभी इनिशियल फेज में मना करूंगी, बाद में आप छाछ वगैरह, क्योंकि एक बार मैं चाहती हूँ आपके टॉक्सिन्स निकल जाएं, पूरा एक आपका ब्लड एकदम रिन्यू हो जाए, शुद्ध हो जाए। तो मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स की भरपाई करने के लिए आपको मैं 2 मिल्क की रेसिपी चलिए और देती हूँ। आपको एलमंड मिल्क पी सकते हैं आप 10 बादाम लीजिए, ओवरनाइट सोक कीजिए, और आप अपना आराम से 250 ml का पानी डाल के और उसका जो है मिक्सी में मिल्क कर बना लीजिए। अब इसको मीठे करने के लिए आप नेचुरल कोई जो है फल डाल सकते हैं, या उसमें एक दो डेट्स डाल सकते हैं। डायबिटिक पेशेंट थोड़ा सा मिठास का ध्यान रखें कि फल डालने तो उसकी नेचुरल मिठास से मुनक्का वो, खा सकते हैं, भीगे जी हुए मुनक्का? भीगे हुए मुनक्का खा सकते हैं, उसका पानी मत पीजिएगा क्योंकि वो निरा शुगर होता है। बस हमें ये चेक करना है कि उससे एकदम से शुगर बढ़े ना, उसका प्रिकॉशन हमें लेना है, ठीक है? वो आप भीगा हुआ खाइए, उसमें पानी एक तो इतना ही डालिए जितना वो एब्जॉर्ब कर ले, बाकी जो एक्स्ट्रा पानी है वो कोई और पी ले, तो आप जो है वो चबा के बीज निकाल के खाइए। तो एक तो मैंने आलमंड मिल्क बताया, जैसे कई लोग ऐसे होते हैं ना जिनको दूध के बहुत शौकीन होते हैं, बचपन से पिया है, बरसों से पीते आ रहे हैं, तो उनको लगता है कि हम कैसे बगैर दूध के रह सकते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए ये आलमंड मिल्क आप बना के पीजिए, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही न्यूट्रिशियस। और इसी तरह से आप कैशियो मिल्क पी सकते हैं, वही 10 मीडियम साइज कैश्यूज लेके सोक करके, बहुत ही क्रीमी और टेस्टी, उसमें बनाना डाल लीजिए और बहुत ही टेस्टी, आप रूह अफजा डाल लीजिए उसके अंदर मिठास के लिए, तो बहुत ही टेस्टी ड्रिंक बन जाता है। और यकीन मानिए बच्चों को भी, आपके घर में भी बच्चे हैं तो अभी से उनको मिल्क मिल्क प्रोडक्ट से दूर रखिए, उनके लिए भी नट मिल्क उनको दीजिए अभी से उनके अंदर, ताकि टॉक्सिन्स एक्यूमुलेट ना हो। आगे चल के मैं लेक्चर कभी जो है मिल्क पे लूंगी कि क्यों मिल्क को हम मना करते हैं, उसके दुष्प्रभाव क्यों हैं, तो वो आगे हम चर्चा करेंगे क्योंकि वो भी अपने आप में पूरा विषय है। लेकिन अभी के लिए मैं चाहूंगी कि अभी अनिल सचदेवा जी हैं क्या हाँ जी, हाँ जी, सर, आपने आपने मेरे को फॉर्म भर के नहीं भेजा ना साधक प्रोफाइल, भेजे भेज दिया जी। आपका मेरे को मिला नहीं, मेल किया आपने? अनम्यूट कीजिए सर, अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट करें, आवाज नहीं आ रही। हाँ हेलो, जी आ सर, रही? हाँ जी, आपने व्हाट्सएप पे मुझे कंफर्म भी किया है कि मिल गया आप? अच्छा आपका तो फिर मेरे को किसी एक का नहीं मिला है, किन का नहीं मिला है, तो वो भेज दें। विपिन जी आपका आ गया है, हाँ अनम्यूट करें। हेलो मैम, नहीं है, मैंने नहीं हाँ तो भेजा। आपका नहीं आया है, आपको भेजना है, ठीक है? तो आप भेजिए। और डाइट मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि ये कोई बहुत मुश्किल नहीं है, जस्ट अपना माइंड मेकअप कर लीजिए। शुरू में हो सकता है थोड़ी बहुत दिक्कत आए कि इतनी सारी सब्जी कभी खाने की आदत नहीं होती। एक बात और बता दूं कि कई लोगों को ऐसा लगेगा कि हम इतनी सारी कच्ची सब्जी नहीं खा सकते, तो उनके लिए जैसे कि अगर मान लीजिए शुरू में आप वेइंग स्केल पे मेजर कर लीजिए, एक दो दिन लगेगा आपको आइडिया का,
अपने वेट के हिसाब से कि कितनी आपकी रिक्वायरमेंट है बॉडी की, और ये रिक्वायरमेंट मिनिमम क्वांटिटी है, इससे ज्यादा आप खा सकते हैं, इससे कम नहीं। अगर इससे कम खाएंगे तो इट विल एक्ट एज फूड, और इतनी क्वांटिटी या उससे ज्यादा खाएंगे तो इट विल एक्ट एज मेडिसिन। तो ये भोजन आपका मेडिसिन का काम करेगी अगर आप स्पेसिफाइड क्वांटिटी खाएंगे। और अगर आपको जैसे कई बार लगता है कि अब ऑफिस जाना है, और मेरी अभी जैसे मैंने मॉर्निंग लंच के समय में टाइम नहीं है, मीटिंग पे जाना है, तो आप उसका जो है शेक जूस बना लीजिए, गाजर टमाटर सब मिक्सी में डाले और आपका जूस बन जाएगा, वेजिटेबल जूस बन जाएगा, तो वो भी आप यूज कर सकते हैं। और जो लोग कच्ची सब्जी बिल्कुल ही नहीं खा सकते तो वो बिल्कुल हल्की 5 मिनट स्टीम कर ले, जैसे किसी को गैस बन जाती है या कोई और दिक्कत आ रही है कि हमें कच्ची सब्जी इतनी खाने से दिक्कत, तो वो हल्का सा स्लाइटली स्टीम कुक कर ले। दूसरी बात, आपको दालें अभी नहीं खानी है, बहुत ज्यादा प्रोटीन रिच डाइट जैसे मिल्क प्रोडक्ट्स हैं, और आपको एनिमल प्रोडक्ट के लिए मैंने बना किया, पेन किलर्स आपको नहीं खाने हैं, और ये चाय कॉफी अल्कोहल ये तो कहने की बात नहीं है, स्मोकिंग ये सब, तो आपका बिल्कुल रिवर्सल ऑफ द डिसीज इज पॉसिबल। और ये आप खुद ही गवाह होंगे, जैसे जैसे आप इस डाइट पर चलते चले जाएंगे वैसे वैसे आपको अपने भीतर से जो चेंज है वो आना शुरू हो जाएगा, आपको स्वयं अनुभव होगा और आपकी स्वयं मेडिसिन टेपर होगी। आपको मेडिसिन का ध्यान रखना है ताकि मेडिसिन जो है आपका शुगर लेवल जो है वो धीरे धीरे कम जाएगा, बीपी जो ले मेडिसिन ले रहे हैं वो लोग भी बीपी मेजर करें, उनकी भी मेडिसिन जो है टेपर होगी। ये अब तक का हमारा मोर देन अ डेकेड का 10-12 साल का अनुभव है कि ये इस डाइट पर जो लोग भी आए हैं उनका 2 से 3 दिन में उनका जो है डायबिटीज और बीपी जो है वो बिल्कुल चला जाता है, उनके जो 1 हफ्ते 7 दिन में जो है उनका चाहे वो कॉन्स्टिपेशन है, इंटेस्टिनल कोई भी प्रॉब्लम है, एसिडिटी है या कुछ है, वो सब दूर हो जाती है, और 1 महीने में उनका जो है मोटापा, 2 महीने में उनका थायराइड से उनको मुक्ति मिल जाती है, उनको मेडिसिन टेपर करनी पड़ जाती है। अगर थायराइड की मेडिसिन इस डाइट के साथ चलेंगे तो उनको जो है टेपर करनी पड़ जाएगी मेडिसिन। तो इस तरह से आपको ये ट्राइड एंड टेस्टेड डाइट है, आपको सिर्फ विश्वास करना है और कि ये डाइट, और थोड़ा सा मन कड़ा करना है क्योंकि बरसों की हमारी कंडीशनिंग हुई होती है, हमें चाय चाहिए, घर में रोटी बनती है तो हमारा मन ललचा जाता है। अच्छा एक बात मैं और आपसे कहूं तो आप मानेंगे, मैं आपको ये क्वांटिटी बोल रही हूँ कि इतनी क्वांटिटी सैलेड और इतनी क्वांटिटी फ्रूट खाइए, मैं ये देखना चाहती हूँ कि वाकई में आप लोग इतनी क्वांटिटी खा रहे हैं। आज से मैं पोस्ट करूंगी, मैं अपना फल मैं जो खाऊंगी मैं वो पोस्ट करूंगी। अब मैं चाहती हूँ कि मुझे आप दिखाइए अपनी सर्विंग, जब आप कितना फल खा रहे हैं, कितनी सब्जी खा रहे हैं, सैलेड कितनी खा रही हैं, तो ये मैं देखना चाहूंगी कि, और सबसे पहले ये काम मैं ही करूंगी, मैं ही आज आपको पोस्ट करती हूँ। अभी मैं थोड़ी देर में मैं प्रज्ञा पे मेरी अभी जो है पीने अभी सेशन के बाद पीऊंगी, तो आई विल क्लिक अ फोटो। सो जो सारा दिन में आप भोजन कर रहे हैं आप शेयर कीजिए फोटोग्राफ, इससे 2 बातें होंगी, एक तो आप तो मोटिवेटेड रहेंगे लेकिन जो नहीं कर रहा है वो आपकी पिक देख के वो मोटिवेटेड होगा। तो क्यों नहीं हम इस जर्नी को एक फ्रूटफुल और एक मेमोरेबल जर्नी बनाएं और एक लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस आप सबके लिए बनाएं, और इतनी बढ़िया आपकी मतलब आपको आपके शरीर में स्वास्थ्य में इतना सुधार आ जाए कि आपको फिर जीवन भर दवाइयों की जरूरत ही ना पड़े। क्योंकि याद रखिए स्वस्थता का रास्ता दवाइयों को छोड़कर है, दवाइयों के साथ नहीं है। हमें यही प्रण करना है कि हमें अपने भीतर जो हम टॉक्सिन्स डालते आए हैं अब धीरे धीरे, एक साथ से नहीं होगा, धीरे धीरे उसको कम करना है। इस पथ पर हमें चलेंगे तो डेफिनेटली ये होगा, क्योंकि ऐसा हम लोगों के साथ, हजारों लोगों के साथ कर चुके हैं। इन्हीं शब्दों के बाद आज्ञा दीजिए, अगर कोई और प्रश्न है तो प्लीज आप पूछ सकते हैं। एंड डोंट फॉरगेट टू पोस्ट द पिक्स, आई वॉन्ट टू सी वॉट ऑल यू आर ईटिंग, लेट्स सी राइट। सो हैव अ वेरी, हाँ पूछ रहे हैं, चाह रहे हैं कुछ बताएं सर। मैडम ग्रीन टी ले सकते हैं क्या? जी जी हाँ,
ग्रीन टी लीजिए, मैंने आपको दो हर्बल टीज की रेसिपी है वो ट्राई करिए, टेस्टी लगेगी आपको। उसमें मैंने गुड़ डाल का भी दिया है, वो गुड़ भी डाल सकते हैं, उससे भी कोई नुकसान नहीं है। स्टीविया आ जाए तो और भी अच्छी बात है। तो पी के देखिए, आपको बहुत अच्छी लगेगी। बल्कि लेट नाइट में जब आपको अगर थोड़ी सी शुगर की कमी हो, आप ये भी कर सकते हैं कि प्रज्ञा पे 2-3 कप बना के आप रख भी सकते हैं, जब पीनी हो तो वो आप उस टाइम गर्म करके पी लें, या ठंडी करके फ्रिज में रख लीजिए, ठंडी पी लीजिए अगर आपको जिनको अच्छी लगती हो लेट नाइट। तो उसमें क्योंकि गुड़ है सब है, तो आपको एक शुगर की फीलिंग भी आ जाएगी। आप बस इस पथ पे चलते रहिए। आपको जहां जो डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम हो, मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए, तुरंत मैं आपका समाधान करूंगी। हर कदम पे मैं आपके साथ हूँ। बस आप जो है बिल्कुल इस पथ पे इससे इधर उधर ज्यादा ना होए। थोड़ा बहुत तो मैं उम्मीद करूंगी कि भाई डगमगा सकते हैं, लेकिन डगमगाना नेचुरल है, लेकिन डगमगा के वापिस पथ पे आना जरूरी है। सो इसी अब अगर कोई प्रश्न नहीं है तो आज्ञा दे मुझे। जी विजय जी पूछना चाह रही है, अनम्यूट करें पहले, अनम्यूट करें। हाँ, मेरा शुगर ज्यादा आता है खाने खाने के बाद। खाना तो नहीं खाती, दलिया खाती मैं, खाना ना कुछ खाया, दाल भी कुछ नहीं लिया, मगर खाली दोपहर को ज्यादा आता है खाना खाने के बाद। अब आपको क्या करना है खाने से पहले, आपका वजन कितना है, मैंने वो फॉर्मूला बताया आपको है ना। तो आपका कितना वजन बताया आपने? 65 है, तो आपका लगभग जो है 650 grams तो आपको फल खाने हैं। इतना फल तो खाना है 12 बजे तक, और इसका आधा 325 grams आपको रॉ वेजिटेबल्स खानी है भोजन से पहले। जो भी आप खाना खा रही हैं, चाहे दलिया खा रही हैं, चाहे रोटी खा रही हैं, कुछ भी खाइए, चलिए आपको ये सब तो सैलेड, लेकिन हाँ सैलेड खाइए। याद रखिए कि जितना रॉ फूड खा सके उतना अच्छा है। आप खा के देखिए, कुछ दिन करके देखिए, खाते हैं अच्छा उतना क्वांटिटी। हाँ तो उसके बाद क्या दिक्कत आती है, शुगर बढ़ता है? खाने खाने के बाद शुगर नहीं आता है, खाने खाने के बाद आता है, 2 घंटे बाद। दो घंटे बाद कितना शुगर आपका? 200-250 होता है, 228। उनका मॉर्निंग की शुगर जो है, हेलो, मॉर्निंग की शुगर जनरली 93 ऐसे आती है, और आफ्टर लंच के बाद 238-260 वगैरह ऐसे आती है। ओके, मेडिसिन ले रहे हैं ये डायबिटीज की? मेडिसिन ले रहे हैं, इंसुलिन की ले रहे हैं। इंसुलिन अभी चल रही है, पीछे इन्होंने मेरे को बताया था कि इंसुलिन खत्म हो गई है। नहीं, इनकी इंसुलिन चल ही रही है, इंसुलिन चल रही है। देखिए, जिनका शुगर डाउन नहीं आता ये सैलेड्स और फ्रूट्स खाने के बाद भी, उनको क्या करना है, उनको अपना वजन कितना है उतने ग्राम ग्रीन लीव्स खानी है। ग्रीन लीव्स यानी कि इनका है 65, तो इनको 65 grams ऑफ लीव्स। अब वो लीव्स चाहे धनिया, पुदीना, कड़ी पत्ता मिक्स कर ले, उसकी स्मूदी बना ले, खाने से पहले लंच डिनर से पहले चटनी बना लें उतनी लीव्स की, वो ग्रीन लीव्स खाएं उसकी, तो उससे इनका शुगर जो है बिल्कुल नॉर्मलाइज होगा। ये करके देखें लंच और डिनर से पहले, ग्रीन लीव्स दे वर्क वंडर। उनके अंदर जो लीव्स के अंदर क्लोरोफिल है, दैट हैज अ ब्यूटिफुल मेटाबोलाइजिंग मैकेनिज्म, तो ये आप करके देखिए, इट विल हेल्प यू। बेल की पत्ती है, धनिया की पत्ती है, पालक की पत्ती है, हाँ, कोई भी, सबको मिक्सी में पीस के एक चटनी सी बना लीजिए, उसको पहले खा लीजिए लंच या डिनर से पहले, और फिर भोजन करिए, और फिर शुगर रीडिंग करके मुझे शुगर रीडिंग, बीपी रीडिंग पोस्ट करना मत भूलिए। राइट, पोस्ट किया है सर, आई हैव सीन, आई हैव सीन। जो लोग नहीं कर रहे उनके लिए है। जो फिलहाल एसिडिटी का प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं उनके लिए ग्रीन लीव्स का काफी हेल्पफुल है। बल्कि उनको पुदीना का रस विद सेंधा नमक लें तो बहुत अच्छा है। ओके, हाँ
तो और बाकी ये ग्रीन आप जूस पी के देखिए, तो इससे काफी हद तक सॉल्व हो जाएगा प्रॉब्लम, राइट। और ये लपेट बांधिए पेट पर, प्लीज लपेट बांधिए, इससे पेट के बहुत सारी दिक्कतें आपकी दूर हो जाएंगी और पैनक्रियास, लीवर सब एक्टिवेट होंगे, राइट। सो आप कोई प्रश्न तो नहीं है, चले हम आज का फिर सेशन समाप्त करें जी। नमस्कार, हैव अ वेरी गुड डे। नमस्कार।